वायरस से लड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के 24x7 हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 +91 11-2397-8046 पर कॉल करें या ईमेल करें ncov2019@gmail.com। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। कोरोना से बचाव ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। एक तरफ जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं अच्छी खबर यह भी है कि भारत में रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। मैं हूं तेजेंद्र सिंह और अपने इस खास शो में कोरोना पर नजर में हम देखेंगे देश विदेश की कोरोना से जुड़ी सभी अहम खबरें। लेकिन शुरुआत करते हैं फास्ट न्यूज के साथ। देशभर में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, शर्तों के साथ बढ़ा छूट का दायरा, लेकिन हवाई सेवा, मेट्रो, स्कूल कॉलेज, होटल रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल पर पाबंदी रहेगी जारी। धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर भी रहेगी रोक। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवागमन पर रहेगी रोक। लॉकडाउन 4.0 में राज्यों को मिले ज्यादा अधिकार। राज्यों की आपसी सहमति से बस और यात्री वाहनों का अंतर राज्यीय आवागमन संभव। आवश्यकता होने पर राज्य अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। कैबिनेट सचिव ने की राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अहम चर्चा। श्रमिकों की सुगम आवाजाही के लिए अधिक श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने में राज्यों से और सहयोग का किया आह्वान। रेलवे बोर्ड राज्यों के सहयोग से और अधिक ट्रेन चलाने को तैयार। केंद्र ने राज्यों से किया अनुरोध, प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए डीएम एवं एसपी को बनाया जाए जिम्मेदार। पैदल यात्रा करने वालों को सुरक्षित कैंपों में रखकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा की करें व्यवस्था। देश में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 56,136। 36,824 लोग इलाज के बाद हुए ठीक। मरने वालों की संख्या हुई 3,029। रिकवरी रेट बढ़कर 37.5% हुआ। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40,62,000 के पार, मरने वालों का आंकड़ा 3,12,000 के पार पहुंचा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 5वीं किस्त का किया ऐलान। कोरोना के कारण कर्ज चुकाने में असमर्थ कंपनियों को दिवाला संहिता के तहत 1 साल तक कार्रवाई से छूट का ऐलान। मनरेगा के लिए और अधिक धन उपलब्ध। भारत सहित 62 देशों ने कोरोना संक्रमण में WHO की कथित गैर जिम्मेदारानापूर्ण भूमिका की जांच करने के प्रस्ताव को किया समर्थन। प्रस्ताव को ऑस्ट्रेलिया ने किया है पेश। कोरोना वायरस संक्रमण मामले में ब्राजील, इटली और स्पेन से निकला आगे। अमेरिका में 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन, इटली समेत यूरोप के कई देशों में स्थिति में सुधार के बाद लॉकडाउन में दी गई ढील। और अब देखते हैं कोरोना से जुड़ी खबरों को विस्तार से। देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन के नए नियमों में कई क्षेत्रों में पहले के मुकाबले काफी छूट दी गई है, ताकि कोरोना से बचाव के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देशों के अनुसार देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। विमान और मेट्रो ट्रेनों का परिचालन भी 31 मई तक बंद रहेगा। आइए देखते हैं क्या कुछ खास रहेगा। देश में 31 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन। शर्तों के साथ देश के तमाम हिस्सों में मिलेगी छूट। लॉकडाउन 4.0 में राज्यों के पास फैसलों के ज्यादा अधिकार होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे। और किन किन चीजों पर पूरे देश में जारी रहेगी पाबंदी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा पर पाबंदी रहेगी। मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी।
वहीं स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरां बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल और जिम भी नहीं चलेंगे। तमाम धार्मिक गतिविधियां और पूजा स्थल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोह शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। आवाजाही पर रोक रहेगी। स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर 65 साल से अधिक उम्र के लोग घरों में रहेंगे। गर्भवती महिलाएं और 10 साल तक के बच्चे भी घर पर ही रहेंगे। और क्या क्या मिलेगी छूट? प्रतिबंधित चीजों के अलावा बाकी गतिविधियों की इजाजत होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुले रहेंगे, लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं। खाने की होम डिलीवरी रहेगी। किन किन चीजों में मिलेगी छूट? कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर शर्तों के साथ छूट रहेगी। राज्यों की आपसी सहमति से बस और यात्री वाहनों का अंतर्राज्यीय आवागमन रहेगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के फैसले के तहत बस और यात्री वाहनों का राज्य के भीतर आवागमन, कंटेनमेंट जोन, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए दिशा निर्देश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगे। रेड और ऑरेंज जोन में जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत कंटेनमेंट और बफर जोन तय करेंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति, कंटेनमेंट जोन से लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों और आवश्यक सेवाओं की रहेगी छूट। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर घर जाकर जांच होगी। और देश भर के लिए दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, सार्वजनिक कार्यस्थल पर फेस मास्क अनिवार्य, सार्वजनिक और कार्यस्थल पर थूकना दंडनीय अपराध, सार्वजनिक स्थल और यातायात में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी, वैवाहिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अधिकतम 50 लोगों की अनुमति, अंतिम संस्कार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अधिकतम 20 लोगों की अनुमति, सार्वजनिक स्थल पर पान, गुटखा, तंबाकू और शराब का सेवन प्रतिबंधित, दुकानों में 2 गज की दूरी बनाना जरूरी होगा, दुकानों के अंदर अधिकतम 5 व्यक्तियों को अनुमति, कार्यस्थल के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश, जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम का पालन किया जाए, दफ्तर, दुकान और संस्थानों में शिफ्ट में काम किया जाए, प्रवेश और निकास द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और हाथ धोने की सुविधा जरूरी, कार्यस्थल की सुविधाओं और मानव संपर्क के स्थानों जैसे दरवाजा आदि को बार बार सैनिटाइज करना जरूरी, कार्यस्थल पर हर शिफ्ट में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूरी है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में सहयोग करें, ताकि प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को सुगम बनाया जा सके। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी कहा कि अगर राज्य तुरंत मंजूरी दे दें तो ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। राज्य सरकारों से ये अनुरोध किया गया है कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सेहत के लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी पैदल चलते पाया जाए उन्हें कैंपों तक पहुंचाया जाए और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है। निर्मला सीतारमन ने साथ ही कहा कि कोविड-19 संकट के समय में स्वास्थ्य सुधार में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च बढ़ेगा और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश तेज किया जाएगा। Health reforms and initiatives have been put in place. Public expenditure on health will be certainly increased. Investments at the grassroots level will be ramped up for health and wellness centers, both in the rural and urban areas. Remember that we had been talking about wellness centers so that they can be in tier 2 and tier 3 cities, and particularly giving focus in aspirational districts. So we will be ramping up all the wellness centers and health infrastructure. All districts will have an infectious diseases block in their hospitals.
देश में कोविड 19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 37.5% हो गई है। पिछले 24 दिन के दौरान संक्रमित मामलों के दोगुना होने की दर 11.5 रही है, जो पिछले 3 दिनों में गिरकर 13.6% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक कोविड 19 से 96,169 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। इनमें से 36,824 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड 19 के संक्रमण से कुल 3,029 लोगों की मृत्यु हुई है। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत कल खाड़ी देशों दुबई, आबूधाबी और बहरीन से एयर इंडिया की 3 उड़ानें केरल के एर्नाकुलम पहुंची। दुबई की उड़ान में 179 लोग थे, जिनमें 2 बच्चे शामिल थे। वहीं आबूधाबी से 2 बच्चों सहित 181 लोग और बहरीन से 127 लोग एर्नाकुलम लौटे। एर्नाकुलम से गल्फ एयर की वापसी उड़ान से बहरीन के 66 नागरिक स्वदेश लौटे। ऑपरेशन समुद्र सेतु के दूसरे चरण में कल INS जलाश्व 588 भारतीयों को मालदीव्स की राजधानी माले से लेकर केरल के कोची पहुंच गया। यात्रियों में 6 गर्भवती महिलाओं सहित 70 महिलाएं और 21 बच्चे शामिल हैं। कोची पहुंचने के बाद इन सभी यात्रियों को इमिग्रेशन और जरूरी जांच के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। गौरतलब है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु के पहले चरण में INS जलाश्व और INS मगर के जरिए मालदीव्स की राजधानी माले से करीब 900 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा चुका है। देश के तमाम राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के चलने का सिलसिला जारी है। हजारों ट्रेनों के माध्यम से अब तक लाखों मजदूर अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं, जो घर पहुंचकर बेहद खुश हैं। पंजाब में लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों को लेकर एक ट्रेन मोहाली से 874 और दूसरी ट्रेन लुधियाना से 1508 प्रवासी श्रमिकों को लेकर उत्तर प्रदेश के हरदोई पहुंची। हरदोई पहुंची ट्रेनों के सभी श्रमिकों को उतरने पर एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मेडिकल टीम की गहन जांच के बाद उनके लिए निर्धारित रोडवेज की बसों में बैठाया गया। इन सभी को मुफ्त ट्रेन यात्रा के अलावा भोजन और पानी दिया गया। और अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जमीनी हकीकत की। सरकार ने सोशल मीडिया पर भीड़भाड़ वाली एक ट्रेन के वीडियो को खारिज कर दिया है, जिसमें यह संदेश दिखाया गया था कि यह श्रमिक विशेष रेलगाड़ी मुंबई से पश्चिम बंगाल प्रवासी मजदूरों को ले जा रही है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय PIB ने कहा कि यह खबर झूठी है। PIB ने स्पष्ट किया कि यह वर्ष 2018 का बांग्लादेश की भीड़भाड़ वाली एक रेलगाड़ी का पुराना वीडियो है। लॉकडाउन के समय में मुरादाबाद की पीतल इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई थी। लाखों करोड़ों का कारोबार करने वाली पीतल नगरी से लाखों परिवारों की जीविका चलती है। मोदी सरकार ने MSME सेक्टर को जो राहत दी है, जो पैकेज दिया है, उसने कारोबार में नई जान डाल दी है। पेश है मुरादाबाद से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। ये आवाज बता रही है कि पीतल नगरी में बंद पड़े उद्योग अब खुलने लगे हैं। पिछले 1.5 महीने से काम बंद था, इसलिए कारोबारियों के चेहरों पर चिंता थी, लेकिन अब सरकार ने नियम कानूनों के तहत काम की इजाजत दी है। मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज ने जैसे कारोबार में जान डाल दी है। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा पैकेज, जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, इतने बड़े पैकेज की अनाउंसमेंट हुई है। इसके लिए भारत सरकार धन्यवाद की पात्र है। हम उसी की एग्जीक्यूशन की तैयारी में लगे हैं और ये मेरे पास करीब 50,000 कैंडल का ऑर्डर है और यही एक ऑर्डर इस वक्त चल रहा है और इसकी तैयारी हो रही है। धीरे धीरे लोग काम पर लौट रहे हैं। बंद पड़ी मशीनों ने पीतल तराशना शुरू कर दिया है। मुरादाबाद की पीतल नगरी से सामान देश में ही नहीं जाता, बल्कि यहाँ की कला के कद्रदान विदेशों में भी बहुत हैं। लॉकडाउन के समय पीतल नगरी की चमक फीकी पड़ गई थी,
लेकिन अब दोबारा से पीतल नगरी ने अपनी चमक को बिखेरना शुरू कर दिया है। मुरादाबाद के अंदर जितने भी पीतल से जुड़े उद्योग थे वो धीरे धीरे अब खुलना शुरू हो गए हैं और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो मजदूर हैं वो भी काम पर आना शुरू हो गए हैं। सरकार ने जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर को पैकेज दिया है उसे देखकर पीतल नगरी के तमाम जो लोग हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं वो काफ़ी खुश हैं और उनका मानना है कि आने वाले समय में पीतल नगरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी बेहतर चमक बिखरेगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, मुरादाबाद। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अब हमें मास्क फोर्स की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि हर घर के पास अपने मास्क हों। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये ग्राउंड रिपोर्ट जो बताती है कि कैसे जयपुर की कुछ गृहणियां लॉकडाउन में ना सिर्फ डिजाइनर मास्क बना रही हैं बल्कि इस कला को अगली पीढ़ी को भी सिखा रही हैं। मास्क अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है और हम सबको इसकी आदत डालनी है, लेकिन मास्क फोर्स में कैसे लोग अपना योगदान दे रहे हैं, हमारे साथ एक दादी जी हैं और उनके साथ उनकी दो पोतियां हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करें। गायत्री जी, ये बताइए कि ये डिजाइनर मास्क बनाने का आइडिया कैसा आया आपको? मैंने लोगों को पहनने को देखा तो मुझे अच्छा लगा, मुझे सिलाई का शौक है इसलिए मैंने कहा कि मैं बनाती हूँ। कपड़ा कहाँ से लाते हैं आप? कपड़ा तो मैं सिलाई करती रहती हूँ तो मेरे पास बचा कपड़ा है इतना। और डिजाइन कहाँ से आपको आइडिया मिलता है? डिजाइन लोगों को पहनने को देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं बना लेती हूँ। मुझे भी काफ़ी क्राफ्ट का और कुछ कुछ बनाने का शौक है तो मैं मशीन चलाना और ये सब करना चाहती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रंग बिरंगे खूबसूरत मास्क है, कुछ बन चुके हैं कुछ बनने जा रहे हैं और ये सब आज एक फैशन के तौर पे या पैशन कह सकते हैं आप, दोनों का मिक्सचर है क्योंकि हमें भी कोरोना वॉरियर की तरह मास्क फोर्स का हिस्सा बनना है। विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, जयपुर। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया का गुरुग्राम कारखाना आज से फिर चालू हो जाएगा। संयंत्र में आज से कारों का उत्पादन फिर से शुरू हो जाएगा। कारखाने में सभी गतिविधियां सरकारी दिशा निर्देशों के कड़े पालन के साथ संचालित होंगी। अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से ढील देने के बाद कंपनी ने अपना प्लांट फिर से खोलने का फैसला लिया है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लागू होते ही मारुति ने अपने संयंत्रों को बंद कर दिया था। इससे पहले कंपनी ने पिछले हफ्ते 12 मई को ही अपने मानेसर संयंत्र का परिचालन दोबारा शुरू कर दिया था। मारुति के हरियाणा स्थित मानेसर और गुरुग्राम संयंत्र की क्षमता सालाना 15.5 लाख वाहन उत्पादन करने की है। और अब देखते हैं कि दुनिया भर में कोरोना से क्या है हाल। WHO की 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आज से शुरू हो रही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ सहित दुनिया के 62 देशों ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए WHO द्वारा उठाए गए कदमों पर निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच के मसौदे का समर्थन किया है। यूरोपीय राष्ट्र और ऑस्ट्रेलिया WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर COVID-19 की रोकथाम के लिए किए गए उपायों की निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक मूल्यांकन के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की थी। नेपाल सरकार ने देश में जारी लॉकडाउन को 2 जून तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला काठमांडू में कल शाम हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इससे पहले उच्च स्तरीय समन्वय समिति ने देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर सरकार को 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की। नेपाल में रविवार शाम तक COVID-19 के मामले बढ़कर 295 हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में COVID-19 मरीजों के इलाज के लिए 2000 बेड की क्षमता वाले अस्पताल को खोल दिया गया है। बांग्लादेशी स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने कल इस अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया। जरूरत पड़ने पर इस अस्पताल की क्षमता को बढ़ाकर 5000 बेड तक किया जा सकता है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 22,000 से ज्यादा हो चुकी है और 328 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4,373 हो गई है।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 47,10,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं इससे मरने वालों का आंकड़ा 3,15,000 के पार पहुंच चुका है। हालांकि अब तक 17,32,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 14,86,000 से अधिक हो चुकी है, जबकि इससे मरने वालों की संख्या 89,550 हो चुकी है। वहीं इससे 2,72,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं संक्रमितों के मामले में रूस 2,81,000 से अधिक मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। रूस में इससे अब तक 2,631 लोगों की मौत हो चुकी है और 67,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में कोरोना के मामलों ने स्पेन और इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। ब्राजील में अब तक 2,41,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इससे 16,118 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में पिछले कुछ दिनों से औसतन 800 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। इसके अलावा यूरोपीय देश स्पेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,30,000 से अधिक हो चुकी है और 27,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इससे 1,46,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्पेन में पिछले 2 महीनों में पहली बार एक दिन में 100 से कम लोगों की मौत हुई है। रविवार को स्पेन में कोरोना से 87 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में 170 लोगों की मौत हुई है। वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या 2,45,000 के पास पहुंच चुकी है, जबकि इससे 34,700 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात में रविवार को 731 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कोविड 19 रोगियों की संख्या बढ़कर 23,358 हो गई है। वहीं अब तक 220 लोगों की कोविड 19 से मृत्यु हुई है। यूएई स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 8,512 संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सऊदी अरब में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 54,752 हो चुकी है, जिनमें 28,718 मरीजों को सक्रिय चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। कोरोना से अब तक 312 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में सऊदी अरब में 2,056 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। कुल स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 25,722 हो चुकी है। श्रीलंका में रविवार को कोरोना संक्रमण के 24 नए मामले सामने आने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 434 हो गई है। अधिकतर नए रोगी नौसेना कर्मी हैं। देश में कोरोना वायरस के 981 रोगियों में से 538 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। श्रीलंका में उपचार के बाद ठीक होने की दर 55% से अधिक है। 22 अप्रैल से अब तक 670 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 550 लोग नौसेना कर्मी या उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति हैं। 180 नौसेना कर्मी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। देश में धीरे धीरे सामान्य स्थिति बहाल हो रही है और 25 में से 23 जिलों में कर्फ्यू हटा लिया गया है। मिस्र में ईद की छुट्टियों के दौरान कर्फ्यू को 4 और घंटों के लिए बढ़ाया जाएगा। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 24 मई से 6 दिनों तक सार्वजनिक परिवहन सेवा भी बाधित रहेगी। हालांकि ईद के बाद कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा, जैसे कि रमजान से पहले हुआ करता था। मिस्र के प्रधानमंत्री ने दुकानों, रेस्टोरेंट, पार्क और समुद्र तट को विस्तारित अवकाश तक बंद रखने और 2 सप्ताह के लिए लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रखने की घोषणा की। हालांकि उन्होंने जून के मध्य से कुछ गतिविधियों को धीरे धीरे फिर से शुरू करने का संकेत दिया। मिस्र में कोरोना वायरस के 12,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिनमें से 630 लोगों की मौत हो गई। सरकार द्वारा रात्रि कर्फ्यू और अन्य प्रतिबंधों में ढील देने के बाद से रोजाना दर्ज होने वाले मामलों की संख्या बढ़ गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने को लेकर ब्रिटेन में एक बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें यहां हो रही टेस्टिंग पर टिकी हैं। ब्रिटेन के व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति मंत्री आलोक शर्मा ने एक नए टीका उत्पादन केंद्र को बनाने में तेजी के लिए 9 करोड़ 30 लाख पाउंड के निवेश की घोषणा की। भारतीय मूल के मंत्री
आलोक शर्मा ने कहा कि नए वैक्सीन प्रोडक्शन एवं इनोवेशन सेंटर को बनाने के बाद यहां 6 महीने के अंदर पूरे ब्रिटेन की आबादी के लिए पर्याप्त टीकों के उत्पादन की क्षमता होगी। और कोरोना महामारी के चलते लगभग 2 महीने से भी ज्यादा बंद रहने के बाद फुटबॉल ग्राउंड्स फिर से खुल चुके हैं। बुंदेसलीगा की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि फिलहाल एहतियातन स्टेडियम में दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं है। बायर्न म्यूनिख ने बुंदेसलीगा में वापसी करते हुए खेले गए एक लीग मैच में इन बर्लिन को 2-0 से मात दी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने ट्वीट कर एक गीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आईएसआरए के बहुत गुणी 211 कलाकारों ने एक होकर आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित इस गीत का निर्माण किया है, जो पूरे भारत की जनता को और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम अर्पण करते हैं। जयतु भारतम। आप ये गीत देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्यारी इनकी